ये कहानी एक डरावनी और खौफनाक सफर की है। आपके आसपास घटती है कुछ खौफनाक और डरावनी घटनाएं, जिनसे होते हैं आप अनजान। हम आपको उन्हीं खौफनाक और डरावनी घटनाओं से रूबरू करवाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हॉरर कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये कहानी आज से तकरीबन 5 वर्ष पुरानी है। मैं अपने दोस्त के यहाँ सुपौल शादी में गया हुआ था। मुझे उसी दिन लौटकर वापस पटना जाना था। जाते वक्त तो मैं बस में गया, आते वक्त मेरे दोस्त ने सलाह दी, यहाँ से छोटी लाइन की ट्रेन सहरसा तक जाती है, वहाँ से तुम ट्रेन पकड़कर वापस पटना जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बस तो मुझे दूसरे दिन ही मिलती। ट्रेन रात को 2 बजे चलती थी, छोटी लाइन की ट्रेन जो 4 बजे सहरसा पहुंच जाती थी। मैं स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन सुनसान था, इक्के दुक्के पब्लिक वहां बैठे हुई थी, जिनको भी शायद लग नहीं रहा था कि कहीं जाना हो। स्टेशन मास्टर खिड़की पर सो रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि उस वक्त कोई टिकट कटाने वाला वहां पर मौजूद हो। मैंने भी टिकट कटाने की जहमत नहीं उठाई। ट्रेन आई, ट्रेन देखकर मैं चौकन्ना हो गया। ट्रेन में एक भी बॉगी में कहीं भी लाइट नहीं थी, पूरा ट्रेन अंधेरा, खिड़की कांच सब टूटे पड़े थे, टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने देखा छोटी लाइन की ट्रेन थी और बहुत ही पुरानी ट्रेन थी। मैंने पूरी बॉगी यहाँ से वहाँ तक घूम कर देख लिया। लगभग पूरे ट्रेन में सिर्फ 10 ही पैसेंजर होंगे। मैं भी एक खाली बॉगी देखकर चढ़ गया और खिड़की के पास जाकर बैठ गया था। सीट भी टूटी फूटी सी थी। आराम से खिड़की के पास जाकर मैं बैठ गया। ट्रेन वहाँ से रवाना हो गई। पूरा ट्रेन अंधेरा। स्टेशन पर तो कुछ देर लाइट भी थी जो ट्रेन में आ रही थी अंदर, लेकिन वहाँ से खुलने के बाद तो पूरा ट्रेन घुप अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लगभग आधे घंटे चलने के बाद ही ट्रेन में जोर से ब्रेक लगी और ट्रेन रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा तो वहाँ लाल सिग्नल हो चुकी थी। मैं समझ गया शायद कोई क्रॉसिंग है, कोई सामने से ट्रेन आ रही है। साइडिंग में ट्रेन खड़ी थी, आसपास घने जंगल थे, झिंगुरों की आवाज़ काफ़ी डरावनी लग रही थी। अंदर तो कोई बॉगी में था नहीं, मैं डरा सहमा सा साइड में बैठा हुआ था। तभी मैंने देखा एक सफ़ेद सा साया मेरी बॉगी में घुस गया। मैं चौकन्ना हो गया। मैं आराम से बैठ गया अपनी खिड़की पर। थोड़ी ही देर में एक औरत मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठी, जो काफ़ी वृद्ध लग रही थी, बूढ़ी। वो मुझे ही देख रही थी घूरते हुए। मैं और डर गया। थोड़ा थोड़ा सा ठंड का भी एहसास होने लगा था मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पारलौकिक आत्मा वहाँ आसपास में हो। अजीब सी एक मुझे डर का अनुभव होने लगा वहाँ पर, और खौफनाक सा मंजर हो चुका था। तभी ट्रेन वहां से खुल पड़ी। सिग्नल मैंने देखा खिड़की से सर निकालकर, ग्रीन हो चुकी थी, पर वहां से कोई ट्रेन पास नहीं हुई थी। थोड़ी देर मैंने उस बुढ़िया को देखा, उस बुढ़िया ने मुझे देखा और एकाएक उस बुढ़िया ने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हैं बउआ? मेरे गले से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैंने कपकपाते हुए स्वर में कहा, सहरसा जा रहा हूँ अम्मा। उसने कहा, तुम डर रहे हो? मैंने ना में सर हिला दिया, पर अंदर से तो मेरी फटी पड़ी थी। मैं समझ रहा था कि ये औरत कोई औरत नहीं है, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि इस बॉगी में कोई नहीं था। और जब वो ट्रेन रुकी तो एक साया उस बॉगी में चढ़ा और उसके बाद ही वो औरत मेरे सामने आकर बैठी है।
उसने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, हाँ आप हो अम्मा तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत। उसने कहा, हाँ ये बात तो है। वो मुस्कुरा दी। ट्रेन चलती रही, मैं उसे देख रहा था, बस उसे एक टक में देख रहा था। अचानक वो बुढ़िया उठी और वहाँ से चल पड़ी। थोड़ी ही दूर में स्टेशन आने वाली थी। मैं भी अपनी सीट से उठा और उस बुढ़िया के पीछे चल पड़ा, लेकिन वो आगे बुढ़िया थी ही नहीं कहीं पर। मैंने पूरी बॉगी में यहाँ से वहाँ तक दौड़ते हुए देख रहा था कि शायद कहीं वो बुढ़िया हो आसपास में, पर वो बुढ़िया कहीं नहीं थी उस बॉगी में। ट्रेन स्लो हो चुकी थी, स्टेशन पर ट्रेन बस रुकने वाली ही थी। मैं जल्दी से स्टेशन के बाहर ट्रेन के बाहर आया और मैं देखने लगा कि शायद वो बुढ़िया उतरे, पर वो बुढ़िया वहाँ नहीं उतरी। मैं समझ चुका था कि वो बुढ़िया कोई आत्मा ही थी। मैंने जीवन में पहली बार किसी भूत का अनुभव किया था एक ट्रेन में। तब से मैं समझ चुका था कि ट्रेन में जब भीड़ भाड़ हो या 2-4-10 पब्लिक हो तो ही जाऊंगा। सुनसान बॉगी में और लाइट ना हो तो उस बॉगी में तो कभी नहीं चढ़ूंगा। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा वक्त लग जाता है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतने समय बाद वीडियो लेकर आते हैं, तो मैं बकवास की कहानी नहीं लाना चाहता, आपके लिए अच्छी कहानी लाना चाहता हूँ जो आपको समझ में आए। और बकवास करनी हो तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कहानी अच्छी लगे, आपको पसंद आए, वैसी कहानी बनाऊँ। अगली वीडियो आप लोग के लिए बहुत जल्द आएगी, जो बहुत अच्छी कहानी से भरपूर होगी आपके लिए। तब तक एंजॉय कीजिए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।